जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं श्री शिव महापुराण उमा संहिता खंड का 14वां अध्याय सामान्य दानों का वर्णन सुनिए। बड़े बड़े दान तो सुपात्रों को प्रदान करने से ही परम कल्याण होता है। स्वर्ण पृथ्वी गो आदि का दान देने व लेने वाले दोनों का कल्याण कारक है। गो पृथ्वी विद्या तथा तुला दान ये चारों दान सर्वोत्तम है। आए हुए याचकों को दूध वाली गो सुंदर वस्त्र छाते जूते अन्न भोजन आदि श्रद्धा पूर्वक अवश्य ही संकल्प कर देवे। ब्राह्मण तथा दुखी दीन पुरुषों को देने से उदार आत्मा कल्याण पाते हैं। स्वर्ण तिल हाथी कन्या दासी घर रथ मणि कपिला गो अन्य ये 10 प्रकार के महादान हैं। इन्हें पाकर विद्वान ब्राह्मण दान देने वाले के साथ अपने आप को भव सागर से पार कर लेता है। राजा रघु के समान स्वर्ण में पृथ्वी का दान सर्वोत्तम है। जो भी सोने में सिंह रूप से खुर मंडा कर अनेकों वस्त्र आभूषण अन्य वस्तुओं के साथ अच्छी गुण वाले बछड़े समेत कपिला गाय देकर काशी के पात्रों सहित सुपात्र कुटुंबी विद्वान ब्राह्मण को दान करता है। वह लोक में तथा परलोक में मनोरथ पाकर अंत में मुक्ति का दान सबसे उत्तम है। इसी के द्वारा दोनों लोकों में उसी वस्तु की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार तुला दान भी उत्तम है। तराजू के एक पल्ले में बैठकर दूसरे को अपनी शक्ति के अनुसार किसी द्रव्य से भर कर अपने समान भार को तोल दो। वही द्रव्य सुपात्र को दान करे और कहे कि मैं अपने भार जितना अमूक द्रव्य दान करता हूँ। मेरे बालक युवा वृद्धावस्था के ज्ञात अज्ञात सभी पाप भगवान शिव की कृपा से भस्म हो। यह कह कर तुला दान द्रव्य सुपात्र ब्राह्मण को देवे। इस प्रकार के तुला दान से पुरुष सभी पापों से मुक्त होकर 14 इंद्रों के राज्य समय तक स्वर्ण में निवास करके दिव्य भोगों को भोगता है। 14वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। 15वां अध्याय पाताल लोक का वर्ण सुनिए। संत कुमार जी बोले, व्यास जी अब ब्रह्मांड का वर्णन करते हैं। ब्रह्मांड कितने विस्तार का है सो सुनिए। ब्रह्मांड जल के मध्य में है। इसको शिव के अंश शेष नाग जी धारण करते हैं। विष्णु इसका पालन करते हैं। सिद्ध देवता ऋषिगण इन्हीं शेष नाग का निरंतर पूजन किया करते हैं। यही शेष अनंत नाम से प्रसिद्ध है। अनंत गुण कीर्ति संपन्न स्वर्ण सम मूसलाधान जैसे परम तेजस्वी हैं। नाग कन्याएं जिनकी पूजा करती हैं, यह संकर्षण रूप द्रव्य है। इनका बल एवं रूप देवता लोग भी नहीं जान सकते और न भली भांति कह सकते हैं। पृथ्वी के नीचे भाग में अतल वेतल सुतल रसातल तलातल पाताल ये 7 लोक हैं। प्रत्येक 10,000 योजन लंबे चौड़े तथा 20,000 योजन ऊंचे हैं। इन सब की रतन स्वर्ण की पृथ्वी एवं आंगन है। दैत्य महानाग यही रह सकते हैं। सूर्य चंद्रमा का प्रकाश धाम सर्दी आदि कुछ नहीं व्यापती। अमूल्य मणियों का प्रकाश है। सभी प्रकार के सुख यहाँ विद्यमान हैं। कमलों वाले निर्मल जल के तालाब जिनमें सदा
भोरे गुंजार करते हैं। नदिया जलाशय भी हैं और भी सुंदर आभूषण सुगंधित उपटन वेणु मृदंग अप्सराए गायन नृत्य देव दानवों की कन्याएं अद्भुत वैभव विलास आदि सभी विद्यमान है। पाताल लोकों को तो सिद्ध दानव मनुष्य नाग आदि परम तप करके ही भोगते हैं। 15वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। 16वां अध्याय नरकों से मुक्ति के उपाय। सुनी इन्हें लोकों के ऊंचे हिस्से में रो रो शंकर शुक्र महाज्वाला तप्त कुंड लवण विलोहित वैतरणी नदी कृमि कृमि भोजन कठिन अशी पत्र वन बाला भक्ष दारुण संदेश काल सूत्र महारोरव शालमली आदि बहुत ही दुखदायक नरक हैं। यहाँ आकर पापात्मा अनेकों यातनाएं पाते हैं। जो भी ब्राह्मण गो देवता उनको छोड़कर अन्य किसी अर्थ भी असत्य भाषण करता है वह रोरव नरक में पड़ता है। गर्भपाती बालक हत्यारा सोने का चोर या सोना छीनने वाला गो को रोकने वाला धोखा करने वाला विश्वघाती शराब ब्राह्मण हत्या करने वाला पराये धन को चुराने वाला एवं इन लोगों का साथी गुरु हत्यारा इत्यादि परमात्मा कुंभी पाग नरक में पड़ते हैं। बहन कन्या माता गाय पतिव्रता स्त्री आदि के बेचने वाला केश बाल बेचने वाला ब्याज खाने वाला इत्यादि पापी तपत नामक नरक में पड़ते हैं। नौकर हटाने वाला गुरु का अपमान करने वाला सबसे प्रथम खाने वाला देव निंदक देवता बेचने वाला अभोग्य स्त्री से भोग करता आदि सप्त उल नामक नरक में गिरते हैं। चोर एवं गो हत्यारे मर्यादा मिटाने वाले देवता तथा पितरों से बैर रखने वाले रत्नों में खोट मिलाकर खोटे बनाने वाले ऐसे मनुष्य कृमि भक्षण नरक में गिराए जाते हैं। यहाँ उन्हें कीड़े भक्षण करते हैं। पितृ देव ब्राह्मण अतिथि आदि को भोजन न देकर स्वयं खा लेने वाले बनावटी हथियार जोड़ने वाले लाल भक्ष नरक में पड़ते हैं। नीचों की संगति करने वाले अनुचित दान देने वाले व्रत के बिना हवन करता अभक्ष्य वस्तु खाने वाले सोम रस बेचने वाले ब्राह्मण रुधिर रोध नरक में डाले जाते हैं। द्वार तोड़ने वाले नगर का नाश करने वाले पापी वैतरणी नदी में डाले जाते हैं। युवा अवस्था के मद से चूर चूर होकर मर्यादा कुल रीति मिटा देने वाले स्त्री की कमाई खाने वाले पापी जन कृत्य नरक में पड़ते हैं। बिना मतलब वृक्ष काट डालने वाले अशी पत्र वन नामक नरक में पड़ते हैं। शूद्र ब्रक मृगों का शिकार करने वाले शिकारी तथा अपने धर्म आचार त्याग देने वाले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि ब्राह्मी ज्वाला नरक में पड़ते हैं। आग लगाने वाले शव पाक नरक में व्रत नष्ट करता आश्रम से भिन्न होकर रहने वाले संदेश नरक में पड़ते हैं। सोपन में वीर्य गिराने वाले ब्रह्मचारी तथा अपनी संतान को विद्या न देने वाले मनुष्य शव भोजन नाम नरक में पड़ते हैं। इसी प्रकार असंख्य नरक हैं जिनमें पापियों को यातनाएं भोगनी पड़ती है। पुरुष मन वाणी शरीर द्वारा जिस प्रकार के पाप करता है
उसी प्रकार के नरक भोगने पड़ते हैं। स्वाम्भू मुनि कहते हैं, बड़े बड़े प्रायश्चितों द्वारा छोटे छोटे पाप निर्वृत्त किए जाते हैं। इनके विभिन्न विभिन्न प्रायश्चित कहे गए हैं। उन सभी प्रायश्चितों से तो बढ़कर भगवान शंकर का नाम स्मरण ध्यान सबसे उत्तम प्रायश्चित है। पाप पुण्य नरक स्वर्ग के कारण रूप हैं। पाप दुख देते हैं, पुण्य सुख दाता है, किंतु पाप भी सुख दिखाकर दुख में ही डाल देते हैं। इसी कारण सच्चा सुख दाता संसार में कुछ भी नहीं। सुख दुख सभी मन की कल्पना है, सबसे विशेष ज्ञान है। ब्रह्मा के पहचानने में ज्ञान ही सागर है। 16वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। 17वां अध्याय जम्बू द्वीप वर्ष का वर्णन, यह आप अगली वीडियो में सुने। जय भोले की। हर हर महादेव। बम बम भोले। अगर आपको शिव महापुराण पूरी सुननी है तो यह चैनल सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय भोले की लिखें। जय भोले की।